दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोटोशॉप के 5 शॉर्ट कमांड जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से अपने फोटोशॉप के कामों को आसान कर सकते हो। यानी कि आप फोटोशॉप में जो 5 कमांड बताएंगे उसकी मदद से आप अपने काम को आसान कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास फोटोशॉप का 7.0 वर्जन ओपन है। यानी कि अगर हम इस वर्जन में अगर आपको ये 5 शॉर्ट कमांड बताएंगे तो आप इस 5 शॉर्ट कमांड को आप किसी भी वर्जन में अप्लाई कर सकते हो और सेम कमांड आप उसी ऑप्शन में यूज कर सकते हो किसी और वर्जन में। सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्ट कमांड के बारे में। फर्स्ट नंबर वो ये है कि अगर हम किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको दिखेगा कि आपका फोल्डर कहाँ पे है, कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल्स है जिसको आप ओपन कर सकते हो। चलिए यहाँ से अगर हम चाहे इस फोटो को तो ओपन कर सकते हैं। तो हमने ये हमारा ये फर्स्ट शॉर्ट कमांड हुआ। अब दूसरा शॉर्ट कमांड ये है कि किसी भी अगर मैं किसी भी साइज को लेना चाहता हूँ जो कि न्यू पेज साइज है तो उसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ से आप अपना साइज को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि A4 है तो A4 सेलेक्ट किए, ओके किए और यहाँ पे हमने अपना न्यू साइज ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा शॉर्ट कमांड। ये हमने बड़े ही आसानी से बताया लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे यहाँ पे देखेंगे कई सारे आपके पास साइज है। अगर आप यहाँ पे कस्टम साइज लेते हो तो यहाँ पर आप अपना इंच में भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे पिक्सल, पॉइंट्स, mm, सेंटीमीटर अपने साइज में ले सकते हो। यहाँ से रेजुलेशन भी आप चेंज कर सकते हो, अपने अनुसार रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मोड भी चेंज कर सकते हो आप, ग्रे स्केल, RGB, SMYK कुछ इस प्रकार से। और आप अपना न्यू आप पेज ले सकते हो अपने अनुसार। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल एन, एक न्यू और सबसे बेस्ट शॉर्ट कमांड। अब तीसरे शॉर्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर फोटोज़ में अगर मुझे बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो हम कैसे दे सकते हैं शॉर्ट कमांड की मदद से। अभी मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ओ करता हूँ और किसी भी फोटोज़ को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें हमारा कोई भी यहाँ पे बॉर्डर इसमें लगा हुआ नहीं है। तो इसमें हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको शॉर्ट कमांड का यूज करना है Alt-ES करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रोक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कौन सा विडिट, यहाँ पे जैसे कि मैं 7 पिक्सल का कर देता हूँ, कलर यहाँ पे ब्लैक हमने कर दिया है और इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड इसमें अपने अनुसार बॉर्डर का आप यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हो और ब्लेंडिंग ऑप्शन को नॉर्मल रखना है। और जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका बॉर्डर लग के तैयार हो गया है। तो शॉर्ट कमांड आपने याद कर लिया Alt-ES की मदद से हम अपना किसी भी पेज या किसी भी फोटोज़ में या कहीं पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले शॉर्ट कमांड की ओर। अब यहाँ पे हमारा दूसरा शॉर्ट कमांड है जैसे कि ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो हम कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एक पेज लेता हूँ, कंट्रोल एंड प्रेस किया और यहाँ से मैं एक A4 साइज का एक न्यू पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैं राउंड सर्कल ले लेता हूँ। अब ये हमारा राउंड सर्कल हो गया, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रेड कलर का हमने यहाँ पे राउंड शेप ले लिया है। अगर इसके अंदर मुझे ड्रॉप शेडो लगाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, Alt-LY-D करना है, Alt-LY-D जिसकी मदद से हम ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं, Alt-LY-B फिर से हमने बोला। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रोक दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर को लेता हूँ और यहाँ पे ब्लेंड ऑफ मोड में इसको नॉर्मल कर देता हूँ और इसको 100% आप डिस्टेंस मतलब दूरी इसको क्या रखना है आप दूरी रख सकते हो। उसके बाद स्प्रेड, उसके बाद यहाँ से साइज को बड़ा करना है और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने ड्रॉप शेडो इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट कमांड क्या है, Alt-LY-D जिससे हम ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट शॉर्ट कमांड हम आपको बताते हैं जिसका नाम है सेव करने के लिए। किसी भी फाइल को अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपसे एक फाइल लोकेशन मांगेगा और फाइल लोकेशन में यहाँ पे आपको डेस्कटॉप या कहीं भी अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। यहाँ पर डेस्कटॉप लोकेशन सेव करें, यहाँ पर फॉर्मेट्स आप सेव कर सकते हो कि आप फोटोशॉप की जो फाइल आपने एडिट की है उसको आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। यहाँ पे आपके पास लाइन में कई सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम देके ऑटोमेटिक यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल आपका सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 5 सबसे बेस्ट और बेसिक शॉर्ट कमांड। इससे भी ज़्यादा एडवांस और सबसे बेस्ट शॉर्ट कमांड बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के शॉर्ट कमांड्स को और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट जरूर करें और हम आपसे पूछ सकते हो शॉर्ट कमांड। हम आपको बार बार के वीडियोज लाते रहेंगे शॉर्ट कमांड के बारे में फोटोशॉप से रिलेटेड। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।